यो स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, ठीक है। सेल्फ स्टडी की दोस्तों इस चैनल में रोज रात्रि 9 बजे एक क्लास आप लोगों के लिए लाई जाती है। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों हम लेकर के आते हैं नए नए टॉपिक में, ठीक है। जल्दी से एक बार लाइक करके शेयर कर दो हमारे सभी मित्रों को। आज दोस्तों हम आपको बता दें कि जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों एडमिशन नहीं लिया, ये 1500 वाला जो कोर्स है अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए है, ये 1200 में 12 महीने के लिए दोस्तों। इस ऑफर का लाभ सभी लोग लें, टीजीटी पीजीटी वाले मास्टर कैडर वाले जिनको भी एडमिशन लेना, 1200 में 12 महीने, ठीक है। और जिनको हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के नोट्स घर बैठे मंगवाना है, सो वो सभी साथी घर बैठे, कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है दोस्तों, ट्रिक भी है, ये नोट्स घर बैठे मंगवा सकते हैं, ठीक है। और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण की टॉपिक वाइज 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है, सो मात्र 599 में अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया में आप कहीं भी बैठे हो, ये आपके घर पर दोस्तों पहुंचेगी ये टेस्ट सीरीज, बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, ठीक है। पंजाब मास्टर कैडर वाले सभी साथी दोस्तों ये मॉडल पेपर मात्र 500 में एडमिशन ले सकते हैं मॉडल पेपर में, ठीक है। और दोस्तों टीजीटी पीजीटी वाले साथी ट्रेंडिंग वाले सुपर ट्रेंडिंग वाले कोर्स में मात्र 1200 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, ये दोस्तों ऑफर सीमित समय के लिए है सभी साथियों के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो यहां पर आज अपन पढ़ेंगे यहां पर कि तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन में किसे मान्यता दी है, तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन में किसे मान्यता दी है, चलिए बताइए, वीडियो को शेयर कर दो एक बार जल्दी से। तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन में किसे मान्यता दी है, अच्छा क्वेश्चन है। लोक रंजन को दी है, लोक रंजक है, लोक मंगल को दी है, या फिर यश या फिर आनंद को दी है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ लोक मंगल, अपन पढ़ते हैं ना कि लोक मंगल का कवि कहा जाता है तुलसीदास को, ठीक है। तो आपका यहां पर तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन में किसे मान्यता दी, ये क्वेश्चन पूछा गया, तब आप सभी साथी बताना, वीडियो को शेयर कर देना हमारे सभी साथी, रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास से जुड़ना है, तब आपका उत्तर यहां पर आ जाता कि सर ये लोक मंगल, लोक मंगल आपका बी नंबर है, ये बी नंबर बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड। सुभाष चंद्र जी, दिनेश जी, बहुत बढ़िया। कुलपति मिश्र ने काव्य प्रयोजन में किसे मान्यता दी है, 47 नंबर का क्वेश्चन है ना। काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपको दोस्तों यथावत इसी प्रकार से तैयारी करना है। कुलपति मिश्र ने काव्य प्रयोजन में किसे मान्यता दी है, किसे मान्यता दी है बता दो, बताओ आनंद को दी है, संपत्ति को दी है, 47 नंबर का क्वेश्चन है काव्य प्रयोजन में। तो सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर कुलपति मिश्र, नाम सुना होगा आपने कुलपति मिश्र का, ठीक है। इन्होंने यश, संपत्ति और आनंद सभी को मान्यता दी है, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 48 नंबर में, बताओ रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की है, भट्ट लोलट ने, शंकुक ने, शंकुक ने जल्दी से बताओ, भट्ट नायक ने या फिर अभिनव गुप्त ने, 48 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की है, 48 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चित्र तुरंग न्याय, तो चित्र तुरंग न्याय की जो कल्पना की है वो किसने की है, सभी लोग बता देना साथियों। और आपका राइट आंसर है सर कि सर चित्र तुरंग न्याय की जो कल्पना की है वो कल्पना की है शंकुक, और आपको पता है कि शंकुक जो है अनुमतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, अनुमितिवाद या अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, शंकुक माने जाते हैं, बी नंबर आपका सही है, इन्होंने चित्र तुरंग न्याय की दोस्तों कल्पना की, बी नंबर आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। किसने रस का विरोध किया दोस्तों, निम्न में ऐसे बताओ किसने रस का विरोध किया है, रस का विरोध करने वाला जो आचार है वो आचार कौन है, बताओ दुर्गेश कुमार जी, सरोज जी, 49 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 नंबर में, रस का विरोध किसने किया,
जल्दी से बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 49 नंबर के क्वेश्चन में, एक बार लाइक कर दो जल्दी से। सभी लोग आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन को, फिलहाल अभी थोड़ा डाउट में रहने दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है, जल्दी बताइए, प्रथम व्याख्याता कौन है। जल्दी से बताना है, भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चयन करो जल्दी से। भरत मुनि के रस सूत्र के सभी लोगों ने आंसर लगा दिया कि सर भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता माने जाते हैं प्रथम भट्ट लोलट, ये नंबर आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना अप्पय दीक्षित की नहीं, 51 नंबर के क्वेश्चन में, सभी लोग बताइए जल्दी से। कौन सी रचना अप्पय दीक्षित की नहीं, 51 नंबर का क्वेश्चन है, 51 नंबर के क्वेश्चन में आपको बलियानंद तो इनकी रचना है, वृत्ति वार्तिक भी है, चित्र मीमांसा है, लेकिन ये नंबर आपका सही है, ये अप्पय दीक्षित की नहीं है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, ये कथन किसका, 52 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया काव्य शोभा कारण, और 52 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी साथियों का हो गया काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारान है ना प्रच्छते, ये दंडी यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक कर देना जल्दी से, यहां पर आ रहा है, ठीक है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये बताइए, ये कथन किसका, 53 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बताओ। ये 53 का क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी साथी, शेयर कर दो जल्दी से, और एक काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा, ये दोस्तों पंक्ति जो ये कथन है, ये कथन बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, रीति संप्रदाय से संबंधित बताना है। जल्दी से बताइए फटाक से, क्वेश्चन आपका अच्छा है दोस्तों, यहां पर चयन करना है, और वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी से एक बार। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ बताना, 54 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो माना जाता है वो माना जाता है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, रीति संप्रदाय से संबंधित जो है
वो डी नंबर आपका सही है, डी नंबर सही है। काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार बताना है, बताइए काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताओ काव्य कल्पद्रुम के, बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये काव्य कल्पद्रुम 55 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर चला गया कि सर काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार जो माने जाते हैं वो बताइए जल्दी से। काव्य कल्पद्रुम सभी लोग बढ़िया आंसर बता रहे हैं 55 नंबर के क्वेश्चन में, 55 का आंसर है। वीडियो को एक बार लाइक कर दें सभी साथी दोस्तों। इसी प्रकार से रोज रात्रि 9 बजे आपको पढ़ना है और काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार बताना है। और आपका उत्तर चला गया कि सर इसके जो रचनाकार हैं रामदहन मिश्र हैं क्या कि कन्हैयालाल पोद्दार, यानी कि आपका यहां पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर कन्हैयालाल पोद्दार, कन्हैयालाल पोद्दार हैं क्या? यहां पर आपसे 55 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और एक आपने दोस्तों रचना काव्य कल्पद्रुम किसकी पढ़ी है? सेनापति की भी रचना पढ़ी है काव्य कल्पद्रुम, ठीक है, सेनापति की भी रचना पढ़ी है। और यहां पर आपका उत्तर कन्हैयालाल पोद्दार बी नंबर आपका सही हो जाएगा। एक सेनापति की भी है काव्य कल्पद्रुम, ठीक है, और एक दोस्तों यहां पर कन्हैयालाल पोद्दार, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, रस ए, रस किसने रस का विरोध किया? तो ये भामा है आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा इसका, ठीक है, भामा ने रस का विरोध किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहां पर जाते हैं। दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? दंडी बताइए, दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? अच्छा क्वेश्चन है, दंडी ने गुणों की संख्या बतानी है, 24, 10, 20 या फिर 3, बताइए। चेंज करो 56 नंबर के क्वेश्चन में, शेयर भी कर दो एक बार जल्दी से। दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी? दंडी ने 56 नंबर का क्वेश्चन है और 56 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं दंडी ने कितनी मानी है, कितनी मानी? 3 नहीं बोले सर 10 मानी है, 10 यानी बी नंबर। दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी, भरत मुनि ने दोस्तों काव्य गुण भी माने थे 10 और काव्य दोष भी 10 माने थे। उसी प्रकार से दंडी ने भी काव्य गुणों की संख्या 10 मानी, कौन गुणों की संख्या 3 नहीं मानते? 3 नहीं मानते ये बताओ, कौन नहीं मानते 3? मम्मट, आनंदवर्धन, भामा या फिर बामन? 57 नंबर का क्वेश्चन है, 57 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, चयन करिए। काव्य गुणों की संख्या 3 कौन नहीं मानते? आनंदवर्धन तो मानते हैं। 57 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग लाइक कर देंगे। और आपका उत्तर है कि सर जो बामन है, बामन इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 3 नहीं मानी, तो कितनी मानी है बताओ? बामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? भामा ने मानी, मम्मट ने, आनंद वर्धन ने भी मानी है, लेकिन बामन ने नहीं मानी, डी नंबर। तो बामन ने कितनी मानी है ये भी बता दो। माधुर गुण में किस रस का प्रयोग नहीं किया जाता? 58 नंबर का क्वेश्चन है, सोना कुमारी जी बताइए माधुर गुण में किस रस का प्रयोग नहीं किया जाता? और माधुर गुण में किस रस का प्रयोग नहीं किया जाता? 58 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर माधुर गुण में श्रृंगार होता है, शांत भी होता है, करुण भी होता है, लेकिन बीभत्स रस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये नंबर आपका सही है, बीवस रस का स्थाई भाव आपको बताना है। वैधर्वी रीति में किस गुण का समावेश रहता है? 59, वैधर्वी रीति में किस गुण का समावेश रहता है? चयन करिए माधुर, प्रसाद, ओज या फिर इनमें से कोई नहीं। वैधर्वी रीति में किस गुण का समावेश रहता है? 59 नंबर का क्वेश्चन है वैधर्वी रीति में, विजय शंकर जी बताइए। सभी का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है दोस्तों,
कि सर बेधर भी रीति में माधुर गुण का समावेश रहता है। आपको पता है कि आनंद वर्धन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी थी, पहले 3 मानी थी काव्य गुण, है ना। ऐसे ही दोस्तों अपन ने माधुर गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण, ये 3 काव्य गुण माने थे आनंद वर्धन ने, जो कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। और बेधर भी जो रीति है, रीति भी आपने पढ़ी होंगी, उसमें माधुर गुण का समावेश रहता है। दंडी ने काव्य दोषों की संख्या कितनी बताई, दंडी ने 60 नंबर का क्वेश्चन है, काव्य दोषों की संख्या कितनी बताइए, 20, 10, 70 या फिर 5, 60 नंबर का क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको पता है कि आपके सिलेबस में जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, उसमें काव्य गुण और काव्य दोष स्पेशल रूप से दोस्तों सिलेबस में दिया हुआ है, तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। दंडी ने काव्य दोषों की संख्या कितनी बताई है, और आपको पता है कि सर दंड देना है हमें, कितनी बार दंड देना, 10 बार दंड देना, 10 बार, बोले 10 बार दंड दो। सी नंबर, जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी, 61, जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी। लाइक कर दो दोस्तों, एक बार शेयर भी कर दो इस क्लास को, रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है ना। और अभी अपन काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, रोज डेली से काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। जगन्नाथ को पंडित राज की जो उपाधि दी है वो किसने दी है, 61 का उत्तर है आशा यादव जी। रीता जी बताइए, विश्वास मलिक जी, 61 नंबर के क्वेश्चन में बताओ जल्दी से, अलाउद्दीन ने, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर ने दी। सुनील तिवारी जी बिल्कुल सही आंसर बता रहे कि सर ये दी है शाहजहां ने। जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी किसने, शाहजहां, यानी डी आपका राइट आंसर है, डी नंबर। प्रदीप जी अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, रूपक के कितने भेद होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रूपक के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन भी कई बार आया है, वीडियो को लाइक करो जल्दी से। रूपक के कितने भेद होते हैं, रूपक के, शिव कुमार जी कितने होते, 3, 10, 12 या फिर 18। कुसुम लता जी, रूपक के कितने भेद होते, 62 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर चला गया, रूपक के सभी लोगों को पता है, 62 नंबर के क्वेश्चन में। लाइक कर दो दोस्तों, एक 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज दोस्तों आप अपने घर पर मंगवा सकते हो मात्र 599 में, ठीक है। और ये रूपक के भेद होते हैं कितने, 10, बी नंबर आपका सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आचार्यों, निम्न आचार्यों और उनके दार्शनिक आधारों को सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन सा किस दार्शनिक आधार से जुड़ा हुआ था, 63 नंबर का क्वेश्चन है, 63 नंबर के क्वेश्चन में आपको यहां पर चयन करना है। भट्ट लोलट किस दार्शनिक आधार से संबंधित है, संकोक किस दार्शनिक आधार से संबंधित है, भट्ट नायक किस दार्शनिक आधार से संबंधित है, और दोस्तों अभिनव गुप्त किस दार्शनिक आधार से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन को याद कर लेना है, ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेना कि सर भट्ट लोलट ये मीमांसा दर्शन से संबंधित हैं, संकोक न्याय दर्शन से संबंधित हैं, भट्ट नायक ये सांख्य दर्शन से संबंधित हैं, ठीक है, अभिनव गुप्त ये सेव दर्शन से दोस्तों संबंधित हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर चला जा रहा है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पर याद रख लेना कि सर भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन से संबंधित हैं, संकोक की बात करें तो ये न्याय दर्शन से हैं, ठीक है, भट्ट नायक सांख्य दर्शन से संबंधित है, इनके दर्शन भी आपको पता होनी चाहिए, अभिनव गुप्त सेव दर्शन से, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है, बता दो जल्दी से, सभी से बनना चाहिए दोस्तों, इतना सरल क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है, वीडियो को लाइक भी कर दो, श्रृंगार, करुण, हास्य या फिर वीर को। और सभी को पता है कि सर रसराज कहा जाता है किसे, श्रृंगार को, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या बताई है, कितनी बताई भावों की संख्या, 65 नंबर का क्वेश्चन है, 65 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग एक बार चयन कर देंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे, बताओ भावों की संख्या कितनी बताई भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में। वंदना जी बताइए, वीरेंद्र जी, अरुण कुमार जी, भावों की संख्या कितनी बताई है नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने, और आपका उत्तर जा रहा कि सर
वो कितनी बताई भावों की संख्या? 49, 43, 50 कितनी बताई? जल्दी से बताओ। और आपका उत्तर जा रहा कि सर भावों की संख्या इन्होंने 33 बताई है। 33 कितनी बताई? 33, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, भरत मुनि नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई है? 33। ठीक है, राजशेखर ने रस के प्रतिष्ठाता किससे माना है? 66 नंबर का क्वेश्चन है। राजशेखर ने रस के प्रतिष्ठाता, बताइए रस के प्रतिष्ठाता किससे माना है? भरत मुनि, नंद किशोर, भामा या फिर मम्मट, बताइए जल्दी से, चयन करिए। राजशेखर ने रस के प्रतिष्ठाता बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजशेखर ने रस के प्रतिष्ठाता किसे माना? 66 नंबर का क्वेश्चन है। और 66 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर वो मानिए नंद किशोर। राजशेखर ने 66 का आपका उत्तर है, रस के प्रतिष्ठाता किसे माना राजशेखर ने? नंद किशोर, यानी बी नंबर आपका सही है। राजशेखर ने रस के प्रतिष्ठाता माना है नंद किशोर को, नंदीकेश्वर को, नंदीकेश्वर अपन को याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, निम्न में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेष गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? बताओ। बताइए जल्दी से। निम्न में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेष गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। बामन ने, क्षेमेंद्र ने, राजशेखर या फिर कुंतक ने? 67 नंबर का क्वेश्चन है। 67 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बामन बता रहे, बिल्कुल सही आंसर है ये नंबर। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? 68 नंबर। पिछली बार दोष भी कई पूछे गए थे दोस्तों आपके एग्जाम में, दोष भी पूछे गए थे, इसमें कौन सा दोष है, उसमें कौन सा दोष है? व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? च्युत संस्कृति दोष, बताइए, ग्रामत्व दोष, कृष्टत्व दोष या फिर दुष्क्रमत्व दोष? अच्छा क्वेश्चन है, चयन करिए जल्दी से। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? 68 नंबर का क्वेश्चन है, कौन बताएगा? व्याकरण के विरुद्ध तो आपका उत्तर है च्युत संस्कृति दोष, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपने बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है दोस्तों, यहां पर आपको सुमेलित करना है, सही उत्तर बताना है। यहां पर बताइए, ये यहां पर कथन है और यहां पर आचार है, बताओ। सौंदर्यम अलंकार है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक है काव्यम, है ना, काव्यस्य आत्मा ध्वनि। तो लगभग सभी को पता है कि सर बामन काय की बात करेंगे, रीति की बात करेंगे, ध्वनि की बात कौन करेंगे, ध्वनि की बात कौन करेंगे, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रमणीयार्थ प्रतिपादक है कौन कहेगा, है ना, ये सारी की सारी चीजें आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका रमणीयार्थ प्रतिपादक है पंडित जगन्नाथ हो जाएंगे, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये दोस्तों आपके भामय हो जाएंगे, है ना, काव्यासात्मा दोस्तों ये ध्वनि, तो ध्वनि आनंद वर्धन कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद सौंदर्य अलंकार ये कौन कहेगा, कौन कहेगा,
तो बताओ यहाँ पर कोट भी नीचे दिया है आपका दोस्तों, यहाँ पर कोट भी है 69 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। 69 का उत्तर बताइए, ठीक है। तो यहां पर अपन को याद कर लेना सौंदर्यम अलंकारा ये बामन ने कहा, ठीक है। तो ये आपको पता ही चल गया कि सर सौंदर्यम अलंकारा ये बामन ने कहा, शब्दार्थ सहितौ काव्य में परिभाषा तो बामन की भामा की है, रमणीयार्थ प्रतिपाद गए पंडित जगन्नाथ हो गए, और दोस्तों काव्यास्य आत्मा ध्वनि, ध्वनि की बात कौन करेंगे, आनंद वर्धन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका, बहुत बढ़िया। ध्वनिवादी आचार्य कौन नहीं है बताओ, 70 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनिवादी आचार्य कौन नहीं है, क्षेमेंद्र, आनंद वर्धन, मम्मट या फिर अभिनव गुप्त, ध्वनिवादी आचार्य कौन नहीं है। यहीं पर दोस्तों कैसेट आपकी बिगड़ जाती है कई क्वेश्चनों में, ध्वनिवादी आचार्य कौन नहीं है, क्षेमेंद्र, आनंद वर्धन, मम्मट या फिर अभिनव गुप्त, ध्वनिवादी आचार्य कौन नहीं है। 70 का प्रश्न है, 70 का उत्तर आपको बताना है, और 70 का आपको पता है कि सर ये आनंद वर्धन है, मम्मट है, अभिनव गुप्त भी हैं, लेकिन ध्वनिवादी आचार्य कौन नहीं है, 70 का उत्तर पूछा गया है। और आपको पता ही है कि सर क्षेमेंद्र कौन से हैं, ये तो औचित्यवादी हैं, औचित्य संप्रदाय, देखो सी लगा रहे हैं लाइन से, मम्मट नहीं है बोले ध्वनिवादी, बहुत बढ़िया है ना। ये क्षेमेंद्र तो औचित्यवादी हैं, औचित्यवादी, तो क्षेमेंद्र ध्वनिवादी नहीं है, यानी आपका ए नंबर सही है, बाकी आनंद वर्धन, मम्मट और ये अभिनव गुप्त सभी ध्वनिवादी हैं, ठीक है। औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ किसका, औचित्य विचार चर्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 71 नंबर के क्वेश्चन में, लाइक कर दो जल्दी एक बार, शेयर कर दो हमारे सभी साथी, औचित्य विचार चर्चा ये ग्रंथ किसका है, कुंतक का, क्षेमेंद्र बावन या फिर मम्मट का, औचित्य विचार चर्चा। तो लगभग सभी लोग आंसर बताएंगे 71 नंबर के क्वेश्चन में है ना, वो तो आपसे खुद प्रश्न बोला, अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये प्रश्न गलत नहीं होगा, औचित्य विचार चर्चा। तो आप सभी ने पढ़ा है कि सर औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं क्षेमेंद्र, और औचित्य विचार चर्चा नामक जो ग्रंथ है ये क्षेमेंद्र, याद रख लेना, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं, 72 का क्वेश्चन है, सभी लोग बता दो एक बार, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से बताइए सभी साथी, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 72 नंबर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं, वक्रोक्ति के 72 का उत्तर पूछा गया, और 72 में आपका उत्तर हो जाएगा 6 भेद माने दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका, इसको भूलना नहीं है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, यहां पर काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विशेष विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है, ये कथन किसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आराम से इसका उत्तर बताना। बताइए जल्दी से, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषणात्मक विकल्प या विज्ञान से नहीं है, भाई एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है, ये कथन किसका है, ये कथन बताना, पंत का है, प्रसाद का है, रामविलास शर्मा किसका है, 73 नंबर का क्वेश्चन है, 73 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये कथन है प्रसाद का, बी नंबर प्रसाद आपका सही आंसर है, बी नंबर जयशंकर प्रसाद का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। एक क्वेश्चन ये दोस्तों याद रख लेना, कई क्वेश्चन है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली बार, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये पंक्ति किसकी है बताइए, कविता आदमी भाषा में आदमी होने की दोस्तों तमीज है, अच्छा कथन है, ये पंक्ति किसकी, महादेवी वर्मा की है,
ये पंक्ति पंत प्रसाद या फिर धूमिल की है। किसकी पंक्ति है? कुरैशी जी। 74 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और उत्तर जा रहा कि सर कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये बताइए। और आपका उत्तर है महादेवी वर्मा, यानी आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अव्यक्ति की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बताइए। अव्यक्ति की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बताना है दारसु जी, रिया जी, शिल्पा जी, सभी लोग बताएंगे। एक बार लाइक भी कर दो सभी साथी, शेयर कर दो जल्दी से। कविता अव्यक्त की भी अभिव्यक्ति है दोस्तों, अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है। ये कथन 75 नंबर के क्वेश्चन में, और सभी लोग आंसर क्या लगा रहे हैं? राइट आंसर जा रहा कि सर कविता अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये नंबर आपका बिल्कुल सही चला गया। ठीक है, एक नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं। ठीक है, यहां पर बताना है किस आचार्य के सिद्धांत को, किस आचार्य के सिद्धांत को दोस्तों बताइए जल्दी से, किस आचार्य के सिद्धांत को निश्चय रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी है? अनुमानवाद की संज्ञा, छिहत्तर नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी से बताना है, जल्दी से 76 नंबर के क्वेश्चन बताओ। किस आचार्य ने, जल्दी से बताइए, हटाक से 76 नंबर के क्वेश्चन में, फिर 74 पे अपन बात कर रहे हैं, 76 का उत्तर बता दो। किस आचार्य के सिद्धांत को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी गई? 76 का उत्तर बताना है, और 76 के उत्तर में आपका उत्तर चला गया कि सर संकोप को, अनुमानवाद बी नंबर आपका सही। बिल्कुल इसको सही कर लो। इसका उत्तर कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये महादेवी की नहीं, ये धूमिल का है दोस्तों। डी नंबर सही कर लो इसको, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर राइट कर लो इसको, डी नंबर सही है। बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है, 74 का आपका डी सही है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन 77 नंबर का क्वेश्चन बताना है। 77 का उत्तर बताइए, 77 का उत्तर बताना है। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है? हृदय दर्पण बताना है, वीडियो को एक बार लाइक कर दो। हृदय दर्पण नामक जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसका है आपको बताना है, और चयन कर देना एक बार। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है? मुकुल भट्ट, कुंतक, महेम भट्ट या फिर भट्ट नायक, जल्दी से बताइए। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ किसने लिखा? 77 नंबर का क्वेश्चन, और 77 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा कि सर हृदय दर्पण, हृदय दर्पण भट्ट नायक आपका सही है। डी नंबर आपका सही है, डी नंबर बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है, डी नंबर भट्ट नायक। हृदय दर्पण किसका है? भट्ट नायक का। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 78 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करिए श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के भेद बताना है, 2-3। श्रव्य काव्य के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 78 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर जा रहा कि सर दो होते हैं, एक नंबर आपका सही है। अपसमार क्या है? अपसमार,
अपसमार के रचनाकार कौन है? ईश्वरी। अपसमार क्या है दोस्तों? विभाव है, संचारी भाव है। क्या है अपसमार? अपसमार बताओ, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर स्थाई भाव? 79 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही चला गया कि सर जो अपसमार है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये संचारी भाव है। अपसमार क्या है? संचारी भाव। बी नंबर, संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है और भरत मुनि ने भी 33 मानी है। ठीक है, भक्ति रस को मूल रस किसने माना? भक्ति रस को मूल रस बताना 80 नंबर के क्वेश्चन में। बताओ जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दो एक बार। भक्ति रस को मूल रस किसने माना? भोज, उद्भट, मधुसूदन, सरस्वती एवं रूप गोस्वामी या फिर भवभूति ने? भक्ति रस को मूल रस बताना 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी क्या उत्तर बता रहे हैं बताइए। वंदना जी, सीमा शुक्ला जी, भक्ति रस को मूल रस किसने माना है? आपका उत्तर चला जा रहा कि सर ये भक्ति रस को जो मूल रस माना है वो माना है मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामी ने। आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट है। भरत मुनि ने किसको अनुभव का भेद नहीं माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 81 में भरत मुनि ने किसको अनुभव का भेद नहीं माना? वाचिक, कायिक, कायिक सात्विक या फिर आंगिक को? 81 नंबर के क्वेश्चन में भरत मुनि का पूछा गया है किसको नहीं माना, वाचिक, आंगिक, सात्विक या फिर कायिक? जल्दी से बताओ, चयन करो 81 का उत्तर, किसको अनुभव का भेद नहीं माना? 81 नंबर का क्वेश्चन और सीधा आंसर जा रहा कि सर इन्होंने काय को नहीं माना, कायिक, कायिक नहीं माना, कायिक नहीं माना। बी नंबर, ठीक है, बी नंबर कायक आपका राइट है। भानु दत्त ने अनुभव के कितने भेद माने हैं? भानु दत्त ने अनुभव के कितने भेद माने? चयन कर दो जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दो, 3, 4, 5 या फिर 2, चयन करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 82 नंबर, भानु दत्त ने अनुभव के कितने भेद माने हैं? वीडियो को शेयर कर देना सभी साथी दोस्तों और जिन भी साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक वो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, शेयर कर देना। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों अपन को याद कर लेना है कि यहां पर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सर वाचिक माना है, कायिक भी माना, सात्विक, आंगिक नहीं माना। सी नंबर इसका आपका सही हो जाएगा, 81 नंबर का सी में आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 81 नंबर का सी आपका राइट है। भानु दत्त ने अनुभव के कितने भेद माने? 82 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है और 82 का उत्तर है कि 4 माने, ठीक है। अब इसके बाद कोई डाउट्स तो अपनों आपको नहीं हो रहा है दोस्तों, यहां पर बताना है। बहुत सारी साथी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो डाउट्स में चले जाते हैं, ठीक है। इसको आप आंगिक कर लेना, वाचिक माना, कायक और सात्विक भी माना है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जल्दी से अब यहां पर वीडियो को लाइक कर दो और किसी को किसी भी प्रश्न में डाउट्स तो नहीं है दोस्तों, जल्दी से बता दो, है ना, क्योंकि क्लास में ही आपका क्या हो जाता है, क्लास में ही दोस्तों आपका डाउट्स क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर भानु दत्त अनुभव के भेद कितने माने? भानु दत्त ने
अनुभाव के कितने भेद माने हैं, ये आपके हो गए चार। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर देना सभी साथी। ठीक है, ठीक है, दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गड़बड़ और डाउट्स में चले जाते हैं, लेकिन वो क्लास की क्लास में ही अपन क्या कर लेते हैं, उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, इतने बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और इतने अच्छे से आप लोग उत्तर दे रहे थे, है ना। नीतू जी एक बार चेक कर लेना, 33 ही भाव है जहां तक। ठीक है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था वो दोस्तों, कौन से नंबर का क्वेश्चन था आपका? नाट्य शास्त्रों में, बिल्कुल सही है, 65 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको, हाँ इसको भी सुधार लो, 65 नंबर को 49 कर लो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है, 49 ही सही है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की जो संख्या बताई है वो 49 ही बताई है, वो 49 भावों को दोस्तों इन्होंने प्रकट किया है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, राइट राइट, 49 भाव सही कर लो दोस्तों, सही है, कन्फर्म है, पक्का है। ठीक है, 49 भाव इसको सही कर लो, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या, नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 ही बताई है, 49 इसको सही कर लो। 33 संचारी भाव, लेकिन भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 49 भावों की चर्चा की है। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर, इसको भी सुधार लो। ठीक है, और कोई डाउट्स तो नहीं आपको? और कोई डाउट्स तो नहीं? ये 49 भाव आपका बिल्कुल सही हो गया, सी नंबर 49 भाव ही बताए हैं दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है, तो सभी लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें दोस्तों, और जिनको 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवाना है वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यही सही है, 49 भाव ही सही है। हाँ, वो संचारी भाव अलग है, वो संचारी भाव के इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तेतीस संचारी भाव, मंजू जी 49 भावों की चर्चा की है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में 49, अस्मित ठाकुर जी, संचारी भाव 33। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन में दोस्तों डाउट रहा, लगभग दो तीन क्वेश्चन में, तो वो भी यहां पर अपना सही हो गया। एक अपना 49 भाव वो हो गया, भरत मुनि का आंगिक वाला भी हो गया, है ना, आंगिक को नहीं माना, दो और एक और क्वेश्चन में डाउट रहा, तीनों क्वेश्चन अपने यहां पर क्लियर हो गए। और कोई क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो वो जरूर बता देना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सत्येंद्र जी, हरियाण जी, विश्वास मलिक जी, मंजू यादव जी, गीता कुमारी जी, सरोज रावल, नेहा जी, प्रमोद कुमार जी, ठीक है, बिल्कुल नाम बोल दिया, प्रमोद कुमार जी, दारसू शर्मा जी, मनीषा सिबी जी, सरोज रावल जी, साक्षी तिवारी जी, ठीक है, रेशु जी, राजेश्वरी जी, रमा शर्मा जी, प्रमोद जी, लेकिन एक बात है,
कि जो क्वेश्चन डिस्कस हो जाता है थोड़ा सा अगर डाउट्स रहता है वो भूल नहीं सकते दोस्तों, आप लोग भी ये 49 भाव कभी नहीं भूल सकते, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते। तो कहीं ना कहीं डिस्कस होना चाहिए, अगर कोई भी कहीं भी डाउट्स लगता है तो उसमें डिस्कस होना चाहिए, ठीक है। आज नहीं तो कल क्लास में हम आपको जरूर बताएंगे। कोई भी प्रश्न आपको ऐसा लगता है क्लास के दौरान, है ना, हो सकता है कि वो हमें ना पता हो या हमारे ज्ञान से बाहर हो, तो उस क्लास को हम निश्चित तौर पर दोस्तों आपको डाउट्स लगे तो वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को क्लियर जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इतना साहित्य का अपार भंडार है, है ना, ऐसा नहीं है कि हमसे भी सारे क्वेश्चन आते हों, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते कि हम भी उसमें डाउट्स में आ जाते हैं, है ना। तो जहां भी अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है आप लोगों को तो जरूर बताया करें, उनका हल इस क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जरूर आपको दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन हल आपका दिया जाएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो सभी साथी अंजू कनौजिया जी, लक्ष्मी जी, पुष्पा साक्षी जी, रेखा जी, ठीक है, आनंद जी, विजय शंकर जी, रविंद्र जी, मनोज जी, अर्पिता दुबे जी, दारसु शर्मा जी, हैप्पी कौर जी, ठीक है, बिल्कुल, अरुण कुमार जी, राम जी, राम कृपाल जी, वंदना, सीमा सरोज जी, सभी साथी दोस्तों जुड़ते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। सरिता जी, शुभेंद्र जी, अर्पिता जी, नेहा जी, अशोक वर्मा जी, राजेश्वरी जी, रीता यादव जी, के एम जी, अरुण जी, धीरज जी, प्रेम जी, हैप्पी जी, सीमा, आलोक वर्मा जी, ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है दोस्तों, पढ़ते रहें। कीर्ति जी, अनीता जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।